चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो हेलो, आई होप कि आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भाई लोग। तो आज हमारा जो खेत का लुक है, मस्त नज़ारा वो आपको दिखाते हैं। मस्त भाई, क्या नज़ारा, इधर पूरा धान कट के मज़ा आ गया भाई। इधर आके एकदम पूरा मूड फ्रेश हो गया भाई लोग। आइए आपको दिखाते हैं पूरा खेत का लुक। हेलो दोस्तों, आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भाई लोग। तो आज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हमारे खेत जो है, धान जो फसल उगता है हमारे इधर, उसको दिखाने का आज हम प्रयास करेंगे आप लोगों को। जो हमारे खेत में जो धान उगता है, वो अभी कटाने का समय है, अभी कटा रहा है ना धून। तो आइए उसको हम आपको दिखाते हैं। अपने गांव होते हुए, हमारी नदी होते हुए हम अपने खेत में चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो निकलते हैं। नदी की ओर, सॉरी खेत की ओर गली होते होते तो फाइनली हम रोड पे आ चुके हैं। धूप भी निकल चुका है, इधर गांव में शादी है तो वादा बज रहा है भाई। जो भी देख रहा है बोल रहा है, क्या बना रहा है भाई, क्या बना रहा है, मेरा वीडियो बना रहा है। जो भी आदमी देख रहा है बोले तू मेरा वीडियो बना रहा है क्या भाई। गांव में ये प्रॉब्लम होता है, जब आप वीडियो बनाने निकलते हो तो बुढ़िया बोलता है, हंसता है, बोलता है कि मेरा वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है तू, टाइम पास कर रहा है, ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं भाई। गाँव में यही सब होता है कि एक दूसरे को देख कर जलता है और सपोर्ट नहीं करना चाहता रहता है, घर पे कंप्लेन बोल देता है कि ये मेरा वीडियो लड़का बना रहा है। खेत में अभी गेहूँ पक गया, अभी पूरा गेहूँ में थोड़ा देर के बाद पानी भी पटेगा, ज़्यादा हो जाएगा कम्बा। पूरा हवा तेज बह रहा है भाई, वैसे ठंडा टाइप ऐसे लग रहा है। तो ये रहा हमारा बांध का पूरा नज़ारा। यह हम लोग सामने से पढ़ते हैं और यहीं पे हम लोग रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हमेशा आते रहते हैं, हमेशा क्या डेली आते हैं। तो ये रहा पूरा, ये चौक है छोटा गांव का, बाहर का चौक। ये मेरा दोस्त का दुकान है, दोस्त चला गया मेरे बाप तो दुकान इसका भी रह गई सही। अरे कहना क्या चाहते हो? तो निकलते हैं अपने खेत की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो गांव का जो फसल हो वो कैसे उगता है, कैसे कटाता है, कितना मुसीबत पड़ता है रौदा में काटने में, भीड़ पड़ता है बहुत ज़्यादा चावल उगाने में। यहाँ सब लोग नीचे टप जाके, सामने नदी, हम नीचे टप गए। ढुलानी इधर तो हमारा इससे पहले जहाँ छठ हुआ था पिछले वीडियो आपको हम दिखाए थे छठ के लुक, तो यहीं पे मेरा छठ हुआ था, मतलब यहीं पे पूरे गांव का छठ। और ये रहा नदी, नदी आपको दिखाते हैं नीचे से। हम नदी में मतलब थोड़ा थोड़ा पानी इधर है, यहीं पे छठ हुआ था, अभी तो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। ये हल्का पानी पानी को हम लोग पार करके चलते इधर। काफी ज्यादा ठंडा ठंड पानी में पानी तो पार हो गए, अब उपरते हैं इधर करीब। तो नदी से बाहर आ गए, ये रहा पूरा नदी,
पूरा इधर कोई आदमी अभी नहीं है, बांध में पूरा अभी आदमी घुसा हुआ है, रोड साइड नहीं है। उधर चलेंगे चौर में, ये हमारा गांव का छोटा सा जंगल, और जंगल है मतलब दूसरा जगह, वहां पे हम जा नहीं सकते। तो खेत में धान बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो जंगल टाइप का है, तो जंगल कहते खड़े। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया है। और रास्ता में हम निकल रहे थे, पूरा धान भी मतलब पूरा पक गया अच्छा तरीके से, पूरा कटने वाला भी हो गया, मतलब आधा कुछ लोग कट आ गया, कुछ लोग अभी मतलब बिजी हो दो जगह, तो बहुत सारा खेत है, तो अभी काटने का भी बांका आया हुआ है कुछ, क्या क्या बोले जा रहा हूँ भाई साहब। तो अभी खेत में गए नहीं, अब ज़्यादा रौदा है तो थोड़ा ठंडा है गाछी में, गाछी बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब मस्त गाछी, इधर हवा बहुत, जहाँ पर हम लोग पिकनिक पिकनिक मनाते आते हैं ना, तो इधर इसी गाछी में आते हैं, यहीं पे पिकनिक भी हम लोग मनाते हैं हम दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे मस्त हवा बहता है और क्या सुंदर नज़ारा देखने का मन करता है भाई। बहुत दूर में गाछी है, तो इधर छोटा सा तालाब रहा, तो इस पर ठंड आते हैं थोड़ा देर, फिर चलेंगे गाछी में और सॉरी खेत में। तो फाइनली हम गाछी के अंदर आ गए, पूरा मस्त लुक ऊपर का नीचे का भाई, तो मस्त पूरा ठंडा ठंडा हवा आता है एकदम मस्त, और मन कर सो जाने का। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर आई है धान पीटने, तो यार पूरा भाई मस्त लुक लुक लग रहा है नीचे से, तो और अच्छा। तो अभी थोड़ा देर बंद करते हैं, ठंड आते हैं, फिर चलेंगे खेत में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाछी में से थोड़ा मतलब ठंडा लिए हैं और निकलते हैं अपने खेत की ओर, जहाँ हमारा हमको जाना है, चलते हैं निकलते हैं भाई। गाछी में से मन नहीं करा जाने का, क्या करें, वीडियो बनाने के लिए जाना पड़ता है, पूरा एकदम मस्त है भाई। तो पूरा इधर जंगल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्त है, ठंडा एकदम हवा बह रहा है, तो मज़ा आ रहा है भाई। धूप भी है तो उतना पता नहीं चलता है कि हवा जैसे बह रहा है तो ठंडा ठंडा लगता है, कोई फर्क उतना नहीं पड़ रहा है अभी। धान सब है इधर, पूरा जिधर देखोगे धान ही और फील्ड ही गाछी है। हेलो दोस्तों, तो हम आ गए अपने खेत, मतलब अभी खेत में खा रहा है, और ये रहा पूरा खेत, अभी धान आधा कर चुका है, आधा बाकी है, तो मम्मी पापा घर पे रह गए, थोड़ा खाना वाना खा के आएंगे, हम खाना खा के जल्दी निकल गए, क्योंकि हमको वीडियो बनाना था, अभी पूरा आदमी भी नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, नहीं तो बोलेगा लड़का चौड़ में वीडियो बना रहा है, ये वो डी डेट बहुत प्रॉब्लम आता है भाई। तो मस्त लुक है, अभी पूरा धान वान कट चुका है इधर, और जब खेत के जो अंदर का लुक है वो दिखाते हैं। तो खेत में पूरा अंदर है, बहुत मतलब बहुत दूर है हमको खेत है, 2.5 बीघा खेत है, तो पूरा खेत के अंदर चलते हैं, पूरा मस्त भाई क्या नज़ारा, हरा हरा एकदम जिंदगी है। तो भाई गांव का, शहर में क्या है, पूरा प्रदूषण, इधर बिल्डिंग उधर बिल्डिंग, गाँव में एकदम मज़ा आता है भाई, घूम के सबसे मिल के फैमिली के साथ रह के, मतलब अभी धान कट चुका और खेसारी अंदर भी बोआ गया है, तो हल्का फल्का छोटा छोटा है ऐसा, वो दिखाते हैं, ये रहा घास में फेंटा हुआ है, तो खेसारी भी इसमें है, तो खेसारी के मैंने तो बढ़ जाए खेसारी, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी धान कट चुका है, ये तो धान मस्त रहा, कट के गिर गया, अपन शहीद हो गया देश के लिए, पूरा खेत
वहाँ से पूरा एकदम मस्त भाई। तो ये रहा हमारा खेत पूरा। तो आपको अच्छा लगा हो मेरा खेत, तो आप लोग देख लिए, बट टाइम हो गया 10:30। तो अब निकलते हैं अपने घर, कह के यहाँ पे कोई है नहीं, तो कुछ सुगर उगर आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलते हैं घर। तो हम खेत से वापस आ गए, निकलते हैं थोड़ा गाछी के अंदर और हवा खाते हैं, फिर चल जाएंगे घर। तो फिर से आपको गाछी का मज़ा आप दीजिए, थोड़ा हम भी लेते हैं। तो ठंडा के 5-10 मिनट के अंदर फिर निकल जाएंगे घर। तो आइए गाछी के अंदर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडी थी। तो ये रहा पूरा गाछी का लुक, मज़ा आ गया भाई। इससे पहले भी दिखाए थे तो क्या दिखाए, ऐसे ही कुछ देख लीजिए थोड़ा हमारा। तो मिलते हैं फिर रूम में, जब तक लिए बाय। A few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. हम फिर से आ गए घर पे और बैठ के अब फिर उसको एडिटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आई होप कि आप लोग को आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।